दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं कचड़ा करने से। वैसे कचड़ा तो दोस्तों आप लोग कमेंट में हमारा कर देते हैं, कभी कभी वीडियो में हम आपका कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष में जो कचड़ा करने में आ रहा है, इंडिया दोस्तों छठे नंबर पे। इस तरह की कोई न्यूज निकल के आ रही है, मतलब दोस्तों अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट वगैरह तैर रहा है, जो खराब हो चुका है, उसमें दोस्तों कचड़ा करने में इंडिया छठे नंबर पे आता है। दो नंबर पे यूएस आता है, तीन नंबर पे चाइना आता है। तो एक नंबर पे कौन है और चार नंबर पे कौन है, चलिए एक ही का बता दीजिए आप कमेंट में दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजाकार, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मॉर्निंग में काफी जबरदस्त वीडियो डाल दिया रेडमी नोट 10 प्रो के जो नए फीचर्स आने वाले हैं, अब वो 13.1 हो या फिर दोस्तों 14 हो, उसमें कुछ जबरदस्त कैमरा फीचर्स भी आया है जो दोस्तों हिडन है, लेकिन हमने आपको खोज के दिखा दिया। तो जाइए वीडियो देखिए। आप बात करते हैं पोल की, हमने आपसे पूछा था कि आप जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, मतलब यूट्यूबर है, तो दोस्तों किस तरह का यूट्यूब बनाते हैं। तो 56% लोगों ने कहा कि भैया हम यूट्यूबर नहीं है, गजब बेइज्जती। बाकी के 16% लोगों ने कहा कि बनने का सोच रहे हैं। 13% लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, 9% लोग ऐसे जो शॉर्ट बनाते हैं, और दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि दोनों बनाते हैं, और दोनों में हम भी है दोस्तों। आप किस तरह का वीडियो बनाते हैं और आपके चैनल का नाम क्या है कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे ये सेटअप आपको कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताइए, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट करें। तो चलिए दोस्तों पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों व्हाट्सअप की। मेटा जो है दोस्तों क्या कर रहा है कि सबको इंटीग्रेट कर दे रहा है, मतलब दोस्तों जो गूगल मीट वगैरह होता है या फिर और भी किसी तरह का प्लेटफॉर्म होता है, तो दोस्तों वो सारा कुछ आ जाएगा व्हाट्सएप में। और व्हाट्सएप में दोस्तों आप गूगल मीट में भी कॉल कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म में भी कॉल कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, 32 लोगों को दोस्तों आप ग्रुप बना सकते हैं और एक साथ बात कर सकते हैं। इस तरह का टेक्नोलॉजी आने वाला है व्हाट्सएप में। ये फीचर्स आ गया तो आपको कैसा रहेगा, और जो तो आपको ऐड करेगा क्या ये चीज सही रहेगा, कमेंट में जरूर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, वो आ रही है इंस्टाग्राम के। इंस्टाग्राम में दोस्तों 60 सेकंड का आप दोस्तों स्टोरी डाल सकते हैं। वैसे आप हमारा स्टोरी देखते हैं कि नहीं, और आपके लाइफ की कुछ खास स्टोरी है तो कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे जबरदस्त न्यूज, और आप लोगों को सुनना चाहिए जो नया फोन लेना चाह रहे हैं, नेविक मतलब इंडिया का दोस्तों जो जीपीएस है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने यह कहा है कि 1 जनवरी 2025 के बाद जो फोन में नेविक जीपीएस नहीं रहेगा वो इंडिया में वर्क नहीं करेगा, मतलब वो फोन में 5G या 4G का नेटवर्क नहीं मिलेगा और जीपीएस काम नहीं करेगा। तो इस तरह कुछ न्यूज है। तो अगर आप फोन ले रहे हैं तो उसमें चेक कर लीजिए कि नेविक जीपीएस है या नहीं। अगर नहीं है भैया तो ये ऑफिशियल न्यूज है, उसके बाद आपका फोन वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह का कुछ कंडीशन है, आपको क्या लगता है? हम तो सोच रहे थे कि भैया 12 सीरीज आएगा, अब 12 में देखना पड़ेगा दोस्तों कि रेडमी नोट 12 में है या नहीं। अगर रहेगा तो बाय करेंगे, वरना दोस्तों 2025 क्या सीन है, चलिए देख लेते हैं। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं टेस्ला की। टेस्ला दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में अपना एक एसयूवी लॉन्च करने वाला है। ये न्यूज़ आप कैसा है पता नहीं, लेकिन इस तरह की कुछ कंडीशन है, आपको क्या लगता है दोस्तों टेस्ला इंडिया में, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब जियो की। जियो का एजीएम मीटिंग दोस्तों चल रहा था, जिसमें से दोस्तों 5G फोन जो जियो का आने वाला है उसकी प्राइस रिवील हो गई है। 8,000 से 12,000 के रेंज में आएगा। अब दोस्तों ये फोन किस तरह का होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी है चलिए दोस्तों वक्त होता आपके सवाल लेने का। तो सऊदी प्रो का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इनका सवाल है कि Redmi Note 10 Pro से जब भी ये रात में वीडियो शूट करते हैं तो काला आता है। देखिए भैया रात में काले ही आएगा, सादा तो नहीं आएगा, वो तो दिन में आएगा, लेकिन मजाक कर रहे हैं। देखिए काला आता है तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को आप 1080p 30fps पे वीडियो को शूट करिए, और 4K में करेंगे तो काला आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज है कि जब भी आप वीडियो शूट करिए रात में दोस्तों, तो सबसे जरूरी है कि आप प्रो मोड में जाके वीडियो शूट करिए, वहां पर आप एक्सपोजर को बैलेंस कर सकते हैं, वैसे नॉर्मल आप नहीं कर सकते। तो इस तरह का कुछ मामला है, तो जाइए इस तरह से सेट करिए और बताइए काला हुआ या सादा। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओप्पो का A17। ये जो है यूरोप में लॉन्च हो चुका है, 10,900 रुपये इसकी प्राइस बताई जा रही है। हीलियो का P35 प्रोसेसर है, 50+2 का रियर कैमरा, 8 का सेल्फी, 5000mAh की बैटरी और 90Hz का डिस्प्ले। आपको क्या लगता है ये फोन इंडिया में आएगा तो किस प्राइस के साथ आएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। वहीं दोस्तों ओप्पो का A77S, ये भी फोन जो है दोस्तों रिवील हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर दोस्तों स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 50+2 का रियर कैमरा, 8 का सेल्फी, 5000mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए दोस्तों, स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर है, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग गैलेक्सी S23, ये जो फोन है दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि SCC सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है। आपको क्या लगता है कितना जल्दी देखने को मिलेगा? वैसे 8th Gen 2 प्रोसेसर के साथ ही आएगा, इस तरह की कुछ रिवील हो गई है, और 25 वाट का फास्ट चार्जिंग। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट।
चलिए दोस्तों बात करते हैं आप शॉमी की। शॉमी का 12T Pro ये जो फोन है दोस्तों 4 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है, लेकिन आज के डेट में लॉन्च हो चुका है दोस्तों शॉमी का CV2। काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है दोस्तों। कन्वर्ट करके अगर इंडियन मनी की बात किया जाए दोस्तों तो 27,999 रुपये होता है दोस्तों। ये मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 7th Gen 1 वाला प्रोसेसर, यहाँ पर OLED पैनल देखने को मिलता है 120Hz के साथ। बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरे की, 50+20+2 का रियर कैमरा, 50+20 जबरदस्त लगा, लेकिन दो क्या कर रहा है यहाँ का, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, इनमें जरूर बताइए। 32+32 का दोस्तों सेल्फी कैमरा, जो दोस्तों ऐसा बोल सकते हैं कि डायनामिक आइलैंड छोटा वाला यहाँ पर लग रहा है दोस्तों। 4500mAh की बैटरी, 67W का फास्ट चार्जिंग। आपको क्या लगता है ये प्राइस कैसा है इस फोन के लिए और इंडिया में किस नाम से आएगा, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi का 12 Lite NE 5G, ये भी दोस्तों FCC सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है, देखिए कब आता है। वैसे आपको क्या लगता है इस फोन के प्राइस कितनी होनी चाहिए, कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक धमाकेदार न्यूज, OnePlus का Nord Watch ये जो है दोस्तों लॉन्च हो गया है और काफी अग्रेसिव प्राइस 6999, 7000 में दोस्तों AMOLED डिस्प्ले मिलता है यहाँ पर जो दोस्तों 60Hz के साथ है, लेकिन 500 nits का पीक ब्राइटनेस है, 1.78 inch का दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है और दोस्तों देखने में काफी खूबसूरत लगता है। SPO2 सारा सेंसर यहाँ पर दिया गया है, 100+ दोस्तों स्पोर्ट्स मोड मिलता है। आप दोस्तों लेना चाहेंगे ये फोन, वैसे हाथ में अगर फट गया तो क्या होगा, गजब बेइज्जती, कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीवो की, फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों वीवो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें से दोस्तों वीवो अपना फोन लॉन्च करेगा उसी वक्त जो कतर में होने वाला है, मतलब फीफा वर्ल्ड कप आप लोगों को पता ही है दोस्तों 4 साल में एक बार आता है। लेकिन वीवो का दोस्तों एक फोल्ड लॉन्च हो गया है दोस्तों चाइना में, जिसकी प्राइस आई है दोस्तों कन्वर्ट करके बताया जाए तो 1,13,000 रुपये स्टार्टिंग प्राइस है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है 8th Gen वाला दोस्तों प्रोसेसर, यहाँ पर दोस्तों जो डिस्प्ले है 6.7 inch का दोस्तों यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है 120Hz के साथ, और खुलेगा तो 8 इंच का डिस्प्ले होता है, वो भी दोस्तों हाई रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। यहाँ पर जो कैमरा है दोस्तों 50, 48, 12 और 8 का, और यहाँ पर दोस्तों कोई सेल्फी कैमरा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 4730mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग। आपको क्या लगता है ये फोन इंडिया में आना चाहिए, काफी स्लिम ट्रिम है। वैसे दोस्तों कल का जो वीडियो है जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कल आ रहा है अपकमिंग स्मार्टफोन जिसमें बहुत सारे फोन कवर किए हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इन्फिनिक्स की, इन्फिनिक्स का 0 Ultra का फर्स्ट लुक देख सकते हैं जो कुछ इस तरह का है। 200MP का यहाँ पर कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, 180W का फास्ट चार्जिंग और 120Hz का डिस्प्ले। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए? ये दोस्तों डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर के साथ आएगा, क्योंकि कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, सारा स्पेसिफिकेशन वहाँ भी बताया। आपको ये फोन कैसा लगा और इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन्फिनिक्स की अगली खबर की, तो दोस्तों 60MP सेल्फी OIS के साथ दोस्तों काम कर रहा है इन्फिनिक्स। मतलब दोस्तों आप समझ लीजिए कि एक ऐसा कंपनी जो दोस्तों बस चल रहा है, लेकिन दोस्तों R&D पे वो लोग कितना खर्चा करते हैं, और यहां पर दोस्तों लावा ब्लेस को मतलब चाइना से लाते हैं फोन, कवर को चेंज करते हैं और बेच देते हैं। मतलब थोड़ा सा खराब लगता है दोस्तों कि इंडियन ब्रांड ऐसा करता है, और ये लोग को देखिए कि सेल्फी कैमरा में OIS 60MP का दे रहा है दोस्तों। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में इन्फिनिक्स कहां तक पहुंचेगा, कमेंट में जरूर। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म, बात करते हैं डील्स और ऑफर की, तो दोस्तों रेडमी का K50i 19,999 मिल रहा है, तो जाइए फ्लिपकार्ट में खरीद लीजिए। और दोस्तों ओला का S1 प्रो में 10,000 का डिस्काउंट है, तो अगर लेना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये लोकेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और कल का वीडियो को जरूर देखिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तकलीफ।